कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरे देश पर अपना कहर ढाया, खास करके भिवंडी शहर की बात करें तो भिवंडी शहर में अब मजदूर तबके के लोगों की हालात बद से बदतर होती नजर आ रही है। ऐसे में तमाम संस्था, तमाम एनजीओ सब मिलकर के समाज कार्यों में लगी हुई है। वैसे ही मैं आपको लेकर चल रहा है एनसीपी भिवंडी शहर के अध्यक्ष भगवान टावरे, जो कि अपने कार्यालय के सामने ही 1200 लोगों का लगभग आज 6 दिन हो गया है वहाँ पर भोजन 1200 लोगों को बांट रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की परेशानी, और ऐसे में भगवान टावरे ने जो काम किया है वो एक मानवता का काम है, एक इंसानियत है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पर भूखे लोग हैं, उन्हें खाना देने का जो कार्य किया जा रहा है, सचमुच में कह सकते हैं कि ये मानवता का एक मिसाल कायम कर रहे हैं भगवान टावरे, जो कि एनसीपी के शहर अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर खास करके भगवान टावरे के अलावा इमाम अंसारी भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी इनके कार्यों का अवलोकन किया, स्पष्ट किया कि जिस तरीके से भगवान टावरे ये काम कर रहे हैं भिवंडी में, ये पहली बार हमें देखने को मिला। सोशल डिस्टेंस, मतलब जो नियम है उस नियम के साथ इन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, और इस मुश्किलों में जिस तरीके से मानवता का काम ये भगवान टावरे कर रहे हैं, सचमुच में यह काबिले तारीफ है। लेकर चलते हैं हम आपको पहले वो तस्वीर दिखाने के लिए, उसके बाद में हमारे टीम के साथ भगवान टावरे ने क्या चर्चा किया वो सुनाते हैं। इमाम अंसारी ने भी हमारे टीम के साथ बातचीत की है, दोनों ही जन के वक्तव्य सुनाते हैं। पर सबसे पहले तस्वीर देखिए किस तरीके से मानवता के इस जंग में मानव को किस तरीके से जीतना है इस महामारी से, उसका ये एक प्रयास देखिए। उनकी हालात इस समय दयनीय है, क्या कहेंगे? आज भिवंडी शहर में जो कोरोना की वजह से जो गरीब मजदूर है उनकी हालात जो है, हर संस्था इसमें इन्वॉल्व होकर काम कर रहे, गरीब भूखा न रहे इसके लिए उन्होंने जो काम चालू किया है, क्या लोगों को खाना बंट रहे, चावल बंट रहे, दाल बंट रहे, जो भी उनको राशन मांगता है अलग अलग संस्था अपने तरीके से बांट रहे अलग अलग जगह पे भिवंडी शहर में। लेकिन ऐसा कोई ये नहीं क्या कोई भूखा रहेगा भिवंडी शहर में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता अगर देखना है तो आपको भिवंडी में देखने को मिलेंगी, क्योंकि भिवंडी में हिंदू मुस्लिम एक जगह पे आकर वो भेदभाव नहीं करते हुए सभी जितने कामगार वर्ग है, जिसको भूख जिसकी भूख है उसको भूख को मिटाने के लिए काम कर रहे। आज पूरा वर्ल्ड में कोरोना का जो ये मातम जो मना रहे और उसमें जो बीमारी फैल रहे उसको विजय पाने के लिए हमारी सरकार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना ये जो मिलकर महाराष्ट्र में काम कर रहे, उद्धव जी ठाकरे साहब है, हमारे अजित पवार साहब है, हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी है, वो अच्छे अच्छे ढंग से डिसीजन लेके आज भिवंडी शहर में जो कोरोना का आज एक भी पेशेंट आज तक मिला नहीं पॉजिटिव और ना इसमें एंट्री हुआ है। इसका श्रेय हमारे भिवंडी शहर के जो नागरिक है, पब्लिक है, उसको भी जाता है, या पुलिस प्रशासन है उनको भी जाता है, कॉरपोरेशन का जो महानगर पालिका के कर्मचारी है उनको जाता है, हमारे डॉक्टर्स लोगों को जाता है। क्या वो अलग अलग जगह पे लोगों को जागरूक करे, क्या अपना डिस्टेंस रख के जो भी काम करना है अपना डिस्टेंस रख के काम करे। आज भिवंडी शहर में कामगार लोग रोड पे आ रहे, ये सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं, 10x10 के रूम में रहते, उनके रूम में असुविधा होने के कारण उनको बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की जो उनको शौचालय जाना है तो रोड पे ही आएगा, और उनके रूम में ये सुविधा नहीं होने की वजह से रोड पे लोग दिखते हैं, लेकिन वो अपना काम शौचालय का ये करके फिर अपने डिस्टेंस से अपने घर में जाते हैं। इसके लिए भिवंडी शहर में कोरोना फैला नहीं, आज हमारा ये 4th दिन है, हम लोग रोज का 1500 कामगार लोगों को खाना खिलाते हैं, जो गरीब बस्ती में जो कामगार है लोगों को हम लोगों ने अनाज बांटा, चावल दाल चावल जो लगता है वो बांटा, लेकिन आज उनके पास पकाने के लिए ना उनके पास गैस है, ना रॉकेल है, ना डीजल है, पेट्रोल पंप भी बंद है, ना रॉकेल मिल रहा है, इसके लिए खाना पका के उनको खिलाने का सिस्टम हमारे सब
यहाँ के कंपाउंड के सेठ लोग हैं, पूरे कारखाने बंद है, लेकिन उनको खाना खिलाने के लिए हमारे यहाँ जितने कारखाने मालिक है और यहाँ के जो हमारे मंडल के पदाधिकारी है, पार्टी के लोग है, वो सब मिल के इसमें इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये जो पब्लिक है ये अपना डिस्टेंस रख के आज जो खाना हम लोग वाटअप करते उसको डिस्टेंस का पालन करके ही उन लोग आगे बढ़ते। मैं सभी को भिवंडी वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आज भिवंडी शहर में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। इसके लिए भिवंडी शहर के लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि इसी तरीके से आगे अपना जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक अपने को करना है और इसका कोरोना को भगाना। टावरे कंपाउंड में आज भगवान टावरे साहब जो एनसीपी के अध्यक्ष है उनसे मेरी बात हुई कोरोना के रिलेटेड, तो उन्होंने कहा मेरे इधर बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है और माशाल्लाह हम इनकी एक्टिविटी में देखने आए जुड़ने आए हैं और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सोशल अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा भी देखा जा रहा है कि ये सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं क्योंकि 1500 लोग इधर आ रहे हैं, 1500 लोग आ रहे हैं, दो दो मीटर एक एक मीटर के डिस्टेंस पे सारे लोग खड़े और सारे लोगों को ग्लव्स लगा के बहुत साफ सफाई तरीके से दिया जा रहा है और जिस तरह से लॉकडाउन है जहाँ तक आप देख रहे हो कि मजदूर जो तबका है मजदूर तबके का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि लूम है, लूम कारीगर है, उनको खाने के लिए बहुत फैसिलिटी कुछ मिल ही नहीं है और भगवान टावरे साहब ने जो ये फैसिलिटी इधर दी है लोगों को मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इधर ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुसलमान देखा जा रहा है, जो गरीब है जिसको भूख है उनकी भूख मिटाने का ये एक नेक काम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के जो भी रहवासी है जो इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।